कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। मंदिर निर्माण का जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वागत किया है, वहीं एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मूरत को लेकर सवाल उठाकर शिलान्यास टालने का सलाह दे रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती रही है। कांग्रेस को मुसलमान समुदाय की ओर से बाधा उत्पन्न करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन लोग अब समझने लगे हैं, इसलिए कहीं और विरोध नहीं हुआ तो दूसरे हथकंडों को आजमाना शुरू कर दिया। कमल पटेल ने कमलनाथ के मंदिर निर्माण के लिए समर्थन व्यक्त करने पर कहा कि यह राम की ही महिमा है कि कांग्रेस के लोगों को राम का अस्तित्व स्वीकार होने लगा। यहां लोग अब तक राम को ही नकारते रहे हैं। करताना से संवाददाता राहुल जाट की रिपोर्ट। भगवान राम मंदिर की शिलालेख आधारशिला रखी जाएगी, उसका मुहूर्त सबसे शुभ है। दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति कभी हिंदू की तारीफ करते हैं या भगवान राम को माने, वो भी मानने लग गए। इससे अच्छा शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है कि अहिंदू लोग भी अब हिंदू हो गए हैं। भारत को, राष्ट्र को, राम जी को, हिंदुओं को गाली देने वाले अब तारीफ करने लग गए हैं और अपने आप को राम भक्त कहने लगे हैं। यही हमारी उपलब्धि है। उसके पीछे, राम मंदिर के पीछे जो उद्देश्य था कि सारे हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जो है हिंदू है,